हेलो स्टूडेंट्स, सो फार इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द चार्ज, अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लाइक एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. So, in the lecture number 2, we are going to discuss about what are the different methods of charging. So, let us start the video. What are the different methods of charging? सबसे पहला method जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is, जो हम जानते भी हैं, अभी तक हमने study किया है, कि हम किसी body को कैसे charge कर सकते हैं, that is, charging बाय रबिंग. दो चीज़ों को आपस में रगड़ के उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जो इधर उधर आदान प्रदान होगा उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, और इसका दूसरा नाम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ये हमारे पास सबसे बेसिक और सबसे पहला मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का. तो ये वाला मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, स्पेशली वी अप्लाई दिस मेथड, दिस मेथड इज अप्लाइड टू चार्ज इंसुलेटर्स. जी हाँ, हम इंसुलेटर्स को इस मेथड से चार्ज कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर, इंसुलेटर्स तो ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो उनको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं. ये बिल्कुल सही है कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते. इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज एंड बाय द मेथड ऑफ रबिंग और बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन वी कैन चार्ज इंसुलेटर्स. ये अलग बात है कि इन इंसुलेटर्स चार्ज कैन नॉट फ्लो टू अदर बॉडी, बट दे कैन बी चार्ज एंड चार्ज स्टेज ऑन देयर सरफेस. तो इंसुलेटर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटर में इन इंसुलेटर्स, इसके बारे में आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं पता. इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज, इंसुलेटर के पास चार्ज हो सकता है, एंड दे कैन बी चार्ज, कैन हैव चार्ज, बट चार्ज डू नॉट मूव टू अदर बॉडी. लेकिन इंसुलेटर में जो चार्ज होगा वो दूसरी बॉडी में मूव नहीं कर सकता. यानी इसमें अगर आप दो चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में ले आते हो तो इनके बीच में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा इंसुलेटर में. तो इसमें हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा इंसुलेटर्स कैन हैव चार्ज बट चार्ज डू नॉट मूव टू अदर बॉडी. दिस चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर. ये चार्ज इंसुलेटर के सरफेस पर रहता है. तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, आप दो बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे. इस रबिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हम अब बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो ये है, इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं. आपने कॉम देखी होगी, जो हम नॉर्मली कंघी यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, एंड प्लास्टिक इज़ लाइक एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. जैसे ही हम कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं, दैट गेट्स चार्ज्ड, बट वो चार्ज आपको शॉक नहीं लगता. यानी उस प्लास्टिक बॉडी से, उस कॉम्ब से चार्ज आपके हाथ में फ्लो नहीं हुआ, लेकिन चार्ज उस कॉम्ब में, उस कंघी में एक्यूमुलेट हो गया. और जैसे ही हम उस कॉम्ब को पेपर के छोटे छोटे पीसीज के पास लेकर जाते हैं, तो वो पेपर के पीसीज उस कॉम्ब के साथ चिपकना स्टार्ट कर देते हैं.
तो यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल था जिसकी हेल्प से हम समझ सकते थे कि इंसुलेटर्स पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है जैसे ही हम इसे किसी चीज़ के साथ रब करते हैं, लेकिन इंसुलेटर से चार्ज किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये इसके सरफेस पर स्टिक रहता है। तो ये वेरी बेसिक मेथड था कि सबसे पहला मेथड हम इंसुलेटर को कैसे चार्ज करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये भी दो टाइप से बिहेव करते हैं। इंसुलेटर्स किस तरह से बिहेव करते हैं? एक बिहेव कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन देंगे। दूसरे जो बिहेव रहता है इनका वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। और कैसा इंसुलेटर बनता है? ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, और जो सिल्क क्लॉथ है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी इस केस में ग्लास रॉड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ग्लास रॉड हमने देखा किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं जहां से आप इन्हें स्टडी कर सकते हो। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड मेथड इज मेथड नंबर टू, मेथड ऑफ कंडक्शन। ये वाला जो मेथड है ये मेथड हम यूज़ करते हैं कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए। दिस मेथड इज़ यूज्ड चार्ज कंडक्टर्स। इसमें हम करते क्या हैं, हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं और एक अनचार्ज बॉडी यानी एक न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल कंडक्टर जिसे हमें चार्ज करना है, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं। और इन दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस कैसे रहती है यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए। हमने एक अनचार्ज बॉडी ली दिस इज अनचार्ज बॉडी अनचार्ज्ड और आप बोल सकते हो न्यूट्रल बॉडी, इसके ऊपर अभी कोई भी नेट चार्ज नहीं है। एक हमने लिया चार्ज्ड बॉडी, इसके ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, और हमने क्या किया इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए। स्टेप नंबर टू, अगले स्टेप में क्या हुआ, जैसे ही मैं इस बॉडी को इसके पास लेके जाऊंगा, आप यहां पे देखिए क्या होने वाला है, ये चार्ज बॉडी इसे हम अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं, वैसे ही अभी इस अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। इनका क्या होता है स्टेप नंबर टू में, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज इस अनचार्ज बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव चार्ज होगा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा दूसरी साइड को। तो यहाँ पे होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी नेगेटिव चार्ज इस फेस पर आ जाता है
और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अभी भी बॉडी न्यूट्रल है, अभी भी बॉडी न्यूट्रल है। जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हुआ क्या, इस बॉडी के अनचार्ज बॉडी को पास लाने के बाद हमें क्या मिला, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो स्टेप नंबर टू में हमें मिला रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। स्टेप नंबर थ्री, अब हमने क्या किया, इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हम ले आए, इन दोनों को बिल्कुल टच कर दिया एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी के साथ टच करेंगे, होगा क्या, ये जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ से मूव कर जाते हैं इस चार्ज बॉडी को, या आप यूँ कह सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज, इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। या आप बोल सकते हो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठ के सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इस चार्ज्ड बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट से दूर ले जाएंगे। इस बॉडी को हम दूर ले गए, यहाँ से हटा दिया। अब इसको हटाने से क्या हुआ, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जा चुका है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस जो जिसको हमने बोला था न्यूट्रल बॉडी, इसके पास अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बॉडी कैसी हो गई, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। पहले कैसी थी, न्यूट्रल, हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट में लेके आए, टच किया, ओवरऑल सारी प्रोसेस के बाद हमें क्या मिला, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो मेथड ऑफ कंडक्शन में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए, कि अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। तो जिस चार्ज की बॉडी होगी वही चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी पर भी आ जाएगा। मेथड ऑफ कंडक्शन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप डायग्राम अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, इसे थ्योरेटिकली कैसे लिखना है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसमें हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी, और हमने ये कैसे किया, यूजिंग अ चार्ज्ड बॉडी बाय टचिंग, हमने दोनों को आपस में टच करवाया। तो इसमें हमने और क्या देखा, दैट इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड विद अनचार्ज्ड बॉडी जैसे ही हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के साथ टच किया, हुआ क्या, अनचार्ज्ड बॉडी, या आप इससे पहले का स्टेप भी लिख सकते हो कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, आप उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने लिखा है, इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज टच्ड विद अनचार्ज्ड बॉडी देर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर एंड
negative charge will flow to charged body, and when this charged body is removed, ultimately uncharged body gets positively charged. और जो key point हमें note करना है वो ये है, in conduction uncharged body gets same charge as that of charged body. इसका मतलब जो हमने अभी एग्जांपल देखा, अगर चार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो अल्टीमेटली फाइनल जो हमें आंसर मिला उसमें अनचार्ज बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा. सिमिलरली अगर चार्ज बॉडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो अल्टीमेटली जो न्यूट्रल बॉडी होगी उसके पास भी कंडक्शन प्रोसेस के बाद कौन सा अल्टीमेट चार्ज आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. वही हमने यहाँ पे की पॉइंट नोट किया है. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. थर्ड मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ इंडक्शन. इस मेथड को समझने से पहले आपको एक टर्म अपने दिमाग में क्लियर करनी होगी, दैट इज व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग. अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज मोस्टली अ ग्रीन कलर वायर used to protect from electric shock in electrical devices. अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है? आपने देखा होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं उनमें आप तीन तरह की वायर देखते होंगे. वन इज़ ऑफ रेड कलर, जिसे हम लाइव वायर बोलते हैं, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है. एक होती है ब्लैक कलर की वायर, जिसे हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, वो सर्किट को कंप्लीट करती है. जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है करंट फ्लो नहीं करेगा. तो लाइव वायर और जो आपकी ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर होती है वो मिलकर सर्किट कंप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है. थर्ड वायर भी आपने देखी होगी, एक ग्रीन कलर की वायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मोस्टली लगी होती है. ये वायर हमारी सेफ्टी के लिए होती है. बाय चांस किसी रीज़न की वजह से अगर चार्ज या करंट बॉडी में लीक हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस ग्रीन कलर की वायर को बॉडी के साथ कनेक्ट करके दूसरे एंड को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर उस बॉडी पे कहीं से चार्ज लीक होके सरफेस पर आता है तो वो उस ग्रीन कलर की वायर के थ्रू अर्थ को चला जाए. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ग्राउंडिंग और अर्थ वायर. और इसमें हम लिख सकते हैं जो अर्थ है हमारी, अर्थ इज एन इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो अर्थ इज एन इन्फाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो अर्थ प्रोवाइड भी कर सकती है. अगर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम उस इन इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में फ्लो भी करवा सकते हैं. ये हमारे लिए सोर्स और सिंक दोनों की तरह काम करती है. इसीलिए हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग वायर जो बोलते हैं उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए किसी रीजन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. अब अगर हमने अर्थिंग वायर यूज़ नहीं की है तो होगा क्या, जैसे ही आप इस बॉडी को टच करोगे यू विल फील इलेक्ट्रिक शॉक, आपको झटका लग सकता है. इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉडी का जो सरफेस होता है यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके उस वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास अर्थिंग का सिंबल रहता है. जहाँ भी आपको ये सिंबल दिखे समझ लेना सरफेस को अर्थ किया गया है. तो जैसे ही हम ग्रीन कलर की वायर के थ्रू
इस सरफेस को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ये सारा का सारा चार्ज इस वायर के थ्रू अर्थ को चला जाता है और आप जैस बॉडी को टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होगा। सिमिलरली उल्टा प्रोसेस होता है, अगर मान लीजिए इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज किसी रीज़न की वजह से एक्यूमुलेट हो गया है और हमने इसे अर्थिंग के साथ अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ से अर्थ से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी की तरफ फ्लो करते हैं और इस पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होगा। तो ये फंडा रहता है अर्थिंग का या ग्राउंडिंग का। तो आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या घर में इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस पर अर्थिंग आप ज़रूर करें, अर्थ के साथ उसको कनेक्ट ज़रूर करें। अब समझते हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन क्या है। ये मेथड भी बिल्कुल कंडक्शन की तरह है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर हम बॉडी को यानी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच नहीं करवाते, यहाँ पर हम एक दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, टच नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या रहती है, आइए यहाँ पर देखते हैं। स्टेप नंबर वन, देयर इज एन अनचार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी, या आप बोल सकते हो न्यूट्रल है, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, ओवरऑल चार्ज इज जीरो। हमारे पास एक दूसरी बॉडी है जिसके पास मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप नंबर वन में हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे, तो इसका फर्दर प्रोसेस क्या रहता है, देर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जो हमने मेथड ऑफ कंडक्शन में भी पढ़ा था। हम इस बॉडी को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इस अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आए, जैसे ही इसके पास लेके आएंगे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके दूसरी साइड को भाग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री, हम इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज चार्ज्ड बॉडी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस एंड को हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ, दिस इज अर्थ। जैसे ही इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, हमने आपको बताया था अर्थ इज एन इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इन्फाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से फ्लो करेंगे इस पॉजिटिव इस फेस की तरफ और इस को कर देंगे न्यूट्रलाइज, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठ के अर्थ को चला जाएगा। ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, वैसे होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाके इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस बॉडी के पास अब चार्ज रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म न्यूट्रलाइज हो चुका है, अल्टीमेटली बचे नेगेटिव चार्जेस, ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस बॉडी को हटा देते हैं, दूर ले जाएंगे, जैसे ही इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे ये नेगेटिव चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट, और इससे हमें क्या मिला, ये बॉडी न्यूट्रल थी, अब ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये प्रोसेस रहती है मेथड ऑफ इंडक्शन में, यहाँ पर हमने कंसेप्ट यूज़ किया अर्थिंग का। तो आप इन डायग्राम्स को प्लीज़ नोट कर लीजिए, आप यहाँ से पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज
इंडक्शन इज टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियर टू इट। ये डेफिनेशन है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अगर बिल्कुल शॉर्ट में आप इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग विद चार्ज बॉडी। हम चार्ज बॉडी के साथ टच नहीं करेंगे, सिर्फ पास लेके आएंगे, विदाउट टचिंग विद चार्ज्ड बॉडी। और एक की पॉइंट जो आपको नोट करना है वो क्या है, हमने कनेक्शन में देखा था जो चार्ज चार्ज्ड बॉडी के पास होगा, अनचार्ज्ड बॉडी भी अल्टीमेटली फाइनली वही चार्ज एक्वायर करती है, बट इंडक्शन में उल्टा है। चार्ज्ड बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, फाइनली जब हमें अल्टीमेट बॉडी के पास चार्ज मिला वो कौन सा मिला, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे अपोजिट होता है। तो की पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इन इंडक्शन अनचार्ज्ड बॉडी विल एक्वायर अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ चार्ज्ड बॉडी। आई होप आपको मेथड ऑफ इंडक्शन समझ आएगा, और प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको कंडक्शन इंडक्शन समझ आ चुका है तो आपके लिए होमवर्क है या आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम पास लेके आए हैं एक बॉडी ए बी के पास जो अनचार्ज बॉडी है। फर्दर ये अनचार्ज ए बी बॉडी किसी सी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है किसी वायर के थ्रू। सी बॉडी के साथ दो लीव्स, इन दोनों को हमने लीव्स बोला है, कनेक्टेड हैं। एक को हमने डी नाम दिया है और एक प्लेट कनेक्टेड है। इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम लंबे समय तक कुछ ऐसे ही कंडीशन में इन चीज़ों को रखें तो ए पे कौन सा चार्ज होगा, बी पे कौन सा चार्ज होगा, सी पे कौन सा चार्ज होगा, डी पे कौन सा चार्ज होगा। फाइनली क्वेश्चन पूछा है ये दोनों लीव्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। फर्दर वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।